अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम इम्पॉर्टेंट idioms. फर्स्ट वन इज प्रोज एंड कॉन्स. द मीनिंग ऑफ प्रोज एंड कॉन्स इन उर्दू लैंग्वेज इज फवायद नुकसान, नतायज अवाकब, यानी कि फवायद और नुकसान. इसका मतलब होता है प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फवायद और नुकसान. अगर आपने इसका सेंटेंस बनाना हो तो आप बना सकते हो. आप कह सकते हो वी नो द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस मैटर. हमें पता है इस मामले के फवायद और नुकसानात के बारे में हम जानते हैं. हम इस मामले के नतायज और अवाकब से बाखबर हैं, या हमें पता है कि इस मामले के फवायद कौन कौन से हैं और नुकसानात कौन कौन से हैं. टू पुल ए लॉन्ग फेस, टू पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है अफसुरदा होना. टू पुल ए लॉन्ग फेस का मतलब होता है अफसुरदा होना, सैड हो जाना. ऑन हिज फेलियर He pulled a long face. अपनी नाकामी पर वो अफसुरदा हो गया. अपनी नाकामी पर वो अफसुरदा हो गया. टू पे थ्रो द नोज, टू पे थ्रो द नोज का मतलब होता है ज्यादा कीमत अदा करना, किसी भी चीज की ज्यादा कीमत दे देना. इसको कहते हैं टू पे थ्रो द नोज. ही हैड टू पे थ्रो द नोज फॉर हिज नेग्लिजेंस. उसे अपनी गफलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी. उसे अपनी गफलत की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ी. टू प्ले ट्रॉन्ट, ट्रॉन्ट का मतलब होता है भगोड़ा. स्कूल से भाग जाना या स्कूल वगैरह से भाग जाना. अ पर्सन हु स्टेज अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी, यानी के भगोड़ा. सम स्टूडेंट प्ले ट्रॉन्ट, यानी के बाज तलबा स्कूल से भाग जाते हैं. बाज तलबा स्कूल से भाग जाते हैं. टू पॉकेट इंसल्ट, टू पॉकेट इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती बर्दाश्त कर लेना, तजलील बर्दाश्त कर लेना. टू पॉकेट इंसल्ट का मतलब होता है बेइज्जती बर्दाश्त करना. अगर आपने इसका सेंटेंस बनाना हो तो आप बना सकते हो. आप कह सकते हो हिज सर्वेंट कुड नॉट पॉकेट इंसल्ट एंड लेफ्ट. उसके मुलाजम ने बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की और वो काम छोड़कर चला गया. His servant could not pocket insult and left. उसका मुलाजम बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और काम छोड़कर चला गया. To put up with का मतलब ये होता है बर्दाश्त करना. To put up का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करना. He could not put up with his insult and left. वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका और चला गया. टू प्ले फॉल्स, प्ले फॉल्स का मतलब क्या होता है? धोखा देना. फॉल्स का मतलब होता है गलत. प्ले फॉल्स का मतलब क्या होगा? धोखा देना. डोंट प्ले फॉल्स विद सिंपल पीपल. सादा लोगों को धोखा मत दो. आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी. विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू. इंग्लिश सीखने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.